भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन के आरंभ होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और स्वायत्त शासन मंत्री चंद्रधारीवाल ने कोटा में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान सबसे पहले 1000 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट नया पुरा बावड़ी के विकास कार्य को देखा और कहा कि साबरमती के रिवर फ्रंट से कई गुना बेहतर है। वहीं इन पर्यटन स्थलों को देखकर दिग्विजय सिंह ने स्वायत्त शासन मंत्री से अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कराने को कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके द्वारा जो यहां के विकास कार्य है वो व्यवस्थाओं को देखा है वो अद्वितीय है, विश्व में ऐसा नजारा कहीं भी नहीं देखा। इस दौरान दिग्विजय सिंह और स्वायत्त शासन मंत्री ने ऑक्सीजन पार्क में झरने के पास बैठकर यूआईटी द्वारा चलाए जा रहे सुपोषित कार्यों की सराहना की। इसके बाद शहर को कैटल से बनाने के लिए देव नारायण आवासीय योजना का अवलोकन किया, जहां पर योजना में रहने वाले लोगों से चर्चा की, उनकी आम आदमी के बारे में पूछा और उनके आवास का अवलोकन किया। और जिस प्रकार से तैयारी की गई है, निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि विश्व का केंद्र बनेगा अर्बन प्लानिंग में। आपने कहा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने की भी जरूरत है, निश्चित तौर पर दिखाना जरूरी है। जितना सुंदर अर्बन प्लानिंग और उसमें पूरे एस्थेटिक सेंस के साथ पूरी हेरिटेज का भी पूरा ख्याल रखा गया, इसलिए एक इवेंट करना चाहिए जिससे कि पूरा यहाँ का जो अर्बन प्लानिंग का कंसेप्ट है, लोगों को इंतजार ये है कि जल्द से रिवर फ्रंट लोगों ने पूरे हो और जिस तरह से वीआईपी बैठी हुई है आम आदमी की।